जय हो। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, वुड नेवर मिस अपडेट्स फ्रॉम चरम मंगल। व्हाई शुड वी फॉलो तिथिज? हम तिथियों को क्यों फॉलो कहते हैं? तिथि यानी भारतीय ज्योतिष गणना के अनुसार बनी हुई तारीखें। तारीखों को कोई तिथियां कहा जाता है। ये तिथियां चंद्रमा की गति के आधार पर बनती है। एकम, बीस, तीज, फिर पूर्णिमा 15 दिन के बाद, फिर वापस एकम, बीस, तीज, फिर अमावस्या। यूँ तो सारी ही तिथियां ही हैं, लेकिन जैन धर्म में, हमारी प्राचीन समण संस्कृति में कुछ तिथियों का विशेष महत्व बताया गया और उन तिथियों के साथ धर्म आराधना की विशिष्ट प्रक्रियाओं को भी जोड़ा गया। बीज की तिथि, पांचम, अष्टमी, चौदस, पूर्णिमा और अमावस्या, ये मुख्य तिथियां हैं। उसमें भी कई लोग अष्टमी चौदस को मानते हैं, कुछ लोग अष्टमी चौदस, पूर्णिमा और अमावस्या, इन 6 तिथियों पे विशेष रूप से धर्म की आराधना करते हैं। प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों किया जाता है, उसमें मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि गृहस्थ जो है ना, वो हर दिन हर पल अप्रमत्त रहकर धर्म की आराधना नहीं कर पाता। गृहस्थ के दायित्वों के साथ वो इतना बंधा हुआ है कि हर दिन वो सामायिक, प्रतिक्रमण, उपवास, स्वाध्याय, भक्ति, पूजा, तप, त्याग नहीं कर पाता है। ऐसे में उसको ये कहा गया कि तुम 2 दिन गृहस्थ के कार्यों को प्रधानता दो, 3रे दिन अपने आत्मा में आओ, फिर 2 दिन गृहस्थ के कार्य करो, फिर 3रे दिन अपनी आत्मा में आओ, अपनी आत्मा के लिए समय निकालो, क्योंकि तुम्हें याद रहे कि इस संसार में हम जो आए हैं, हमारा लक्ष्य केवल ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी नहीं है, केवल खाना पीना ऐश करना नहीं है। हम मात्र शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं जो इस शरीर में वास कर रही है, और हमें अपनी आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप तक प्रकटाना है, उसके वास्तविक शुद्ध स्वरूप में लाना है। तो इसके लिए हमें अपने लक्ष्य की स्मृति रहे, इसलिए हर 2 दिन के बाद 3रे दिन धर्म आराधना विशेष रूप से करने के लिए कहा गया। अब प्रश्न फिर भी है कि इन्हीं दिनों का क्यों महत्व है? तो उसके पीछे कुछ कारण है। कारण यह है कि अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या को व्यक्ति का मन चंद्रमा की गति के आधार पर, गति से कनेक्टेड है हमारा मन, चंद्रमा की गति से कनेक्ट है हमारा मन, तब हमारे मन में भी कुछ तरह के परिवर्तन आते हैं। ज्वार भाटा जैसे समुद्रों में आता है, वैसे हमारे मन में भी आता है। देखो, पूर्णिमा के दिन ज्वार आता है, अमावस्या के दिन समुद्रों में भाटा आता है, ऐसी तरह से हमारे मन के अंदर भी आवेग उठते हैं। कभी कभी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, कभी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, कभी बहुत उत्साह होता है, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। फिर कुछ दिन ऐसे होते हैं, काम सामने पड़ा है, टाइम भी है, लेकिन काम करने का मन ही नहीं है, होता है ना। कभी हम कहते हैं कि काम करना है लेकिन टाइम नहीं है, और कभी हमारे पास टाइम भी है लेकिन काम करने का मन नहीं है। अब ये मन क्यों ऐसा है? मन बदलता रहता है। उन प्राचीन मनीषियों ने जाना कि हमारे शरीर का 70-75% हिस्सा पानी है, और जिस तरह से इस सौर मंडल में जहाँ हम रहते हैं, वहाँ चंद्रमा की गति के आधार पर पानी की अवस्थाओं में परिवर्तन आता है, समुद्र में यानी पानी में, ऐसे ही हमारे मन में भी परिवर्तन आता है, और तब हमारा मन आउट ऑफ ऑर्डर होने की कोशिश करता है। ऐसे समय में अपना संयम साधने के लिए हमारे पूर्व मनुष्यों ने इन विशिष्ट दशाओं के अंदर तप त्याग करने की बात कही, कि इन दशाओं में अगर तप त्याग करोगे तो तुम्हारा मन आराम से संयम में रह सकेगा, क्योंकि इस मन का संबंध हमारे भोजन के साथ है। कहते ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अब अगर हमारा अनाज खाना बहुत राजसिक, बहुत तामसिक है, तो हमारे मन में उठने वाले विचार और विकार भी वैसे ही हो जाएंगे। तो कहा कि हर दिन तो तुम भोजन के
अंदर विगयों का त्याग नहीं कर पाते। हर दिन तो तुम भोजन में उतना सात्विकता, विवेक, संयम नहीं रख पाते, तो कम से कम इन दिनों में विशेष रूप से त्याग, प्रत्याख्यान, मर्यादा, नियम, व्रत, उपवास, पोषण आदि करके संयम साधो, ताकि मन इन ऑर्डर रहे, आउट ऑफ ऑर्डर ना जाए। तो बहुत आध्यात्मिक कारणों से इन तिथियों को पर्व आराधना के रूप में रखा गया। धीरे धीरे क्या होता है, लोगों के पास में कारण खत्म हो जाते हैं, केवल रिवाज रह जाते हैं, और फिर बच्चों को देने के लिए लॉजिक्स नहीं होते, तो बच्चे कहते हैं कि आप लोग क्यों कर रहे हो, इन सब के पीछे रीज़न क्या है। और जब हम उन्हें सही तरीके से समझा नहीं पाते, तो उनके हृदय में इन तिथियों का महत्व, इन पर्वों पर की जाने वाली आराधना का महत्व और उसका परिणाम अंकित नहीं हो पाता, और वे उसको श्रद्धा के साथ स्वीकार भी नहीं कर पाते। लेकिन हम समझें, ये बात आज केवल भारतीय मनुष्यों ने कही, इतनी ही नहीं है, मनोवैज्ञानिक लोगों ने भी बहुत रिसर्च करी, और उन्होंने भी रिसर्च करके जाना कि मनुष्य का मन पूर्णिमा के दिन एक अलग टाइप से काम करता है, अमावस्या के दिन अलग टाइप से काम करता है। और इसलिए देखो, आज भी भारत के अनेक भूभागों में अमावस्या के दिन मजदूर लोगों के लिए छुट्टी होती है, श्रमिक लोग अमावस्या के दिन काम नहीं करते, उसको अकता कहा जाता है। अकता है आज, अकता मतलब अकर्ता, आज कुछ करना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दिन ही ऐसा है कि बॉडी विश्राम चाहेगी, मन विश्रांति चाहेगा, मन शून्य के करीब आना चाहेगा, और उस समय में उसको जबरदस्ती करवाओगे तो वो उसके साथ थोड़ा अतिक्रमण हो जाएगा। तो कहा गया, इस दिन मन शांत रहना चाहता है, तन में आवेग नहीं है, उत्साह स्फूर्ति नहीं है, तो इस दिन ध्यानस्थ रहो, विश्राम करो, आर्ट ऑफ रेस्ट करो, अकता कहा गया। तो इन सब के पीछे बहुत सारे कारण हैं। हमें इन तिथियों में जितना हो सके उतना मर्यादा और संयम साधना चाहिए, और इन दिनों में अंतर्मुखी होना चाहिए, कुछ समय अपने लिए निकालना चाहिए, अपनी आत्मकल्याण की साधना के लिए निकालना चाहिए। बाकी समय में तो हम हर चीज़ों से जुड़े हुए रहते हैं। अच्छा, प्रश्न ये है कि सीधा आहार पे ही बात क्यों जोड़ी जाती है, क्योंकि सारी यात्रा हमारी आहार से शुरू होती है, दिनचर्या शुरू ही सारी आहार से, और अंत तक आहार ही चलता रहता है। तो अगर भोजन में लिमिटेशन हो जाएगी तो समय बचेगा, उस समय का हम स्वाध्याय और ध्यान के लिए प्रयोग कर पाएंगे। तो भोजन का त्याग केवल भोजन छोड़ने के लिए नहीं है, भोजन का त्याग इसलिए है कि वो समय ऊर्जा बचे, उस स्थान से हटे तो नए केंद्रों पर उस ऊर्जा को ट्रांसफर किया जा सके। पर हमारे यहाँ क्या होता है कि कई लोग खाली भोजन का त्याग करना ये तो समझ आ गया, हरी वनस्पति नहीं खाना, जमीकंद नहीं खाना, पर क्यों नहीं खाना उसका कारण स्पष्ट नहीं हुआ, उसको नहीं खाने से परिणाम क्या होगा। फिर एक नया प्रश्न पैदा होता है कि अगर इस दिन हरी वनस्पति खाने से पाप लगता है, इस दिन जमीकंद खाने से पाप लगता है, तो क्या इसी दिन जीव ज़्यादा पैदा होते हैं, क्या अगले दिन खाएंगे तो पाप नहीं लगेगा क्या? तर्क उठना स्वाभाविक है कि आप कहते हो आठम चौदस को जमीकंद मत खाओ, आठम चौदस को लीलोती मत खाओ, तो नवमी को खाएंगे तो उसमें जीव कम हो जाएंगे या पाप कम हो जाएगा, इसमें लॉजिक क्या है? तो हकीकत में ना जीव का लॉजिक है ना पाप का लॉजिक है, बात यह है कि उस दिन भोजन उतना ही लो जितना शरीर की आवश्यकता है, बाकी का ऊर्जा और समय अपनी भीतर के अन्य केंद्रों पर यात्रा करने में लगाओ। जैसे मम्मा ने बेटे के एग्जाम के दिन आने पर टीवी को लॉक करके रख दिया और बोला अभी पढ़ाई करो। अब बेटे ने क्या किया कि टीवी बंद हो गई तो टीवी तो बंद कर दी लेकिन पढ़ाई नहीं करी, गेम्स खेलने चला गया। तो ऐसे हम में से अधिकांश लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ना है तो छोड़ तो देते हैं पर बाकी का समय दूसरे अन्य मनोरंजन के साधनों में लगा देते हैं, तो उद्देश्य खत्म हो गया। उद्देश्य क्या था कि पढ़ाई करेगा बेटा, ऐसी उद्देश्य क्या था कि इन दिनों में व्यक्ति अंतर ध्यान करेगा, सामायिक प्रतिक्रमण, संध्योपासना, गुरु सेवा, भक्ति अनुष्ठान करेगा। अगर वो नहीं करता है तो फिर खाना खाए या छोड़े कुछ ज़्यादा फर्क नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इन तिथियों पे किया जाने वाला त्याग का हमारे स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा संबंध है देखो जरा। हर दिन हम एक सरी का खाना खाते हैं,
हमारी बॉडी का जो पाचन तंत्र है वो विकृत होता है, बिगड़ता जाता है, कमजोर होता जाता है, हर दिन उस पर लोड पड़ता है। आज डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि आप महीने में अगर 2 उपवास करो तो स्वस्थ रहोगे और अगर 6 उपवास कर लो तो कभी कैंसर नहीं होगा। श्रावक की दिनचर्या के अंदर, श्रावक की साधना विधि में ये लिखा हुआ है कि जो श्रावक है वह अष्टमी चतुर्दशी महीने के 6 दिन उपवास करे, पोषित करे, वो कभी बीमार हो ही नहीं सकता। जिसको स्वेच्छा से खाना छोड़ना आता है, उपवास में रहना आता है, उसको बीमारी नहीं आती। पर जब हम इन नियमों को फॉलो नहीं करते तो एट लास्ट डॉक्टर कहता है कि बाबा मीठा छोड़ो, घी छोड़ो। विगे छोड़ने को फिर डॉक्टर कहता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, इन सबको लेवल पे लाना है, नमक कम कर दो। तब हमें ख्याल आता है यार आयंबिल ही कर लेते, जैन धर्म में तो पहले से आयंबिल का विधान है। तो ये सारी तिथियों पे जो त्याग का कहा गया ना, बड़ा वैज्ञानिक है इनका कारण, कि इसको करने से हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहता है, डाइजेशन सिस्टम भी ठीक रहता है, पुराना मल की शुद्धि हो पाती है, शरीर विश्रांति पाता है, तो उसमें नई ऊर्जा पैदा होती है और पुराना जमा हुआ मल सूख करके समाप्त हो जाता है। तो धीरे धीरे शरीर का तंत्र भी व्यवस्थित रूप से काम करता है। तो इन तिथियों पर अगर हम वाकई धर्म की आराधना, पर्व की जो नित्य क्रम आराधना होती है वो करें, तो हमारा भीतर का बहुत सारा सिस्टम ठीक ठाक काम करेगा। पर हम लोग उस तरीके से समझ करके स्वीकार नहीं करते, या तो करते ही नहीं या ब्लाइंडली फॉलो करते। तब कुछ नियमों को तो पाल लेते हैं, लेकिन उन नियमों का हेतु कारण जाने बिना उनको पालने से वे नियम प्रभावी तौर से हमारे जीवन में रूपांतरण नहीं ला पाते हैं। भगवान महावीर का कहना है परमम नाणम तव दया, पहले ज्ञान लो फिर क्रिया करो, फर्स्ट नो देन एक्ट। तो हमें तिथियों के बारे में भी जानना और इनमें क्या क्या आराधना करना उस विधि को भी जानना चाहिए, कि किस तरह अपने दिनचर्या को बांट करके हमें सामायिक प्रतिक्रमण स्वाध्याय भक्ति ध्यान सेवा व्यवृत्ति में लगाना है इन दिनों के अंदर। तो हमारे भीतर में नए कर्म बंधन का कारण समाप्त होते जाएंगे और पुराने कर्मों की निर्जरा होती जाएगी। जय हो।